नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए, आज हम आपके साथ बनाने जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया सी नाश्ते की रेसिपी, जिसके लिए मैंने चना के दाल को आधे घंटा पहले अच्छी तरीके से धो के साफ़ करने के बाद इसे पानी में फूलने के लिए छोड़ दिया था। यह अच्छी तरीके से फूल चुका है, तो चलिए अब हम इसके पानी को हटा देते हैं। इसके पानी को हटाने के बाद मैं डालूँगी 1 कप पानी। मैंने दाल के आधा इंच ऊपर तक पानी डाल दिया हुआ। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे। गैस को ऑन करेंगे और इसके ऊपर चढ़ा देंगे दाल को। इसके ढक्कन को बंद करेंगे और इसे 5 से 6 सीटी आने तक मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर कुक कर लेंगे। दाल जब तक कुक हो रहा तब तक हम एक थाली के अंदर डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे। 1/2 टीस्पून अजवाइन डालेंगे, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, स्वाद के हिसाब से नमक। मिक्स करेंगे और इसे नॉर्मल पानी की सहायता से सॉफ्ट आटा लगाकर रेडी करेंगे। इसके सॉफ्ट आटा लगाकर रेडी कर लिया है, तो चलिए अब हम इसे साइड में रख देते हैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। जब तक आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम लोबिया को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर रेडी कर लेते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरह से मैं छीलते हुए इसे तोड़ रही हूँ। इसी तरीके से इसे तोड़कर रेडी करना है। मैंने लोबिया को पहले ही अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर लिया हुआ है। आप देख सकते हैं मैं इतने बड़े से बड़े साइज में तोड़कर तैयार कर रही हूँ। आप अपने पसंद के हिसाब से छोटा बड़ा जैसा भी आपको अच्छा लगता हो उस हिसाब से इसे तोड़कर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए सेम तरीके से हम लोबिया को तोड़कर रेडी कर लेते हैं। मैंने सारे लोबिया को तोड़कर रेडी कर लिया है। प्रेशर कुकर में मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर 5 से 6 सीटी लग चुका है, तो चलिए हम इसे चूल्हा से नीचे उतार देते हैं और चूल्हा के ऊपर चढ़ा देंगे 1 कढ़ाई। कढ़ाई जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून सरसों का तेल। तेल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब डालेंगे इसमें लोबिया और इसे फ्राई कर लेंगे। लोबिया को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक और मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और इसे ढक देंगे। जब तक सब्जी कुक हो रहा है तब तक हम इसके लिए एक मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम जार में डालेंगे 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा। चार हरी इलायची, 2 लौंग डालेंगे, 1 तेज़पत्ता छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा हुआ, 2 मीडियम साइज़ का टमाटर डालेंगे कट करके, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। बीच बीच में सब्जी को भी चलाते रहना है ताकि सब्जी जो है अच्छी तरीके से कुक होकर रेडी हो जाए। तो चलिए अब हम मसाला को पीसकर तैयार कर लेते हैं। मसाला को बहुत अच्छी तरीके से पीसकर रेडी करने के बाद अब हम इसे साइड में रख देंगे और 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू को छीलकर तैयार कर लेंगे। मैंने आलू को पहले ही उबाल के रेडी कर लिया था और ये अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है, तो चलिए हम इसे छीलकर तैयार कर लेते हैं। छीलने के बाद हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे, ना तो बहुत ज़्यादा छोटा करना है ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा रखना है। आप अपने पसंद के हिसाब से इसे तोड़ सकते हैं। यहाँ लोबिया भी बहुत अच्छी तरीके से कुक होकर रेडी हो चुका है, तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं तोड़ा हुआ आलू। इसे हम खुले में ही 1 मिनट तक भून लेंगे ताकि आलू भी अच्छी तरीके से भून कर रेडी हो जाए। 1 मिनट हाई फ्लेम के ऊपर खुला में भूनने के बाद अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। दोबारा से हम कढ़ाई में डालेंगे 2 टेबल स्पून सरसों का तेल। तेल के अच्छी तरीके से गर्म होने के बाद डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा। जीरा जब अच्छी तरीके से क्रैकल हो जाए तब डालेंगे पीसा हुआ टमाटर का मसाला का पेस्ट, 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे और इस मसाले को हम अच्छी तरीके से भून कर रेडी कर लेंगे।
मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर मसाला जब अच्छी तरीके से भून कर रेडी हो जाए तब डालेंगे इसमें स्वाद के हिसाब से नमक। ध्यान रहे लोबिया और आलू को भूनते समय भी नमक मैंने डाला था, उसी हिसाब से नमक डालेंगे। तो चलिए हम नमक को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। नमक जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तब हम डालेंगे भुना हुआ आलू और लोबिया। इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद डालेंगे इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी। जिस तरह की ग्रेवी रखनी हो गाढ़ा पतला उस हिसाब से इसमें पानी डालेंगे। मैं इस सब्जी के अंदर बहुत ज़्यादा पतला ग्रेवी नहीं रखूँगी, बस इसे सदबद बनाकर तैयार करूँगी। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद जब इसमें हल्की सी उबाल आ जाए तब हम इसे ढक देंगे। ढक के इसे लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर 4 से 5 मिनट तक कुक कर लेंगे। यहाँ प्रेशर कुकर का सीटी भी बहुत अच्छी तरीके से रिलीज हो चुका है, तो चलिए हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दाल का पानी बहुत अच्छी तरीके से सूख चुका है और ये अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से ये मैश हो जा रहा है। एक स्पून की सहायता से हम दाल को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं ताकि दाल जो है अच्छी तरीके से मैश हो जाए। इस तरीके से दबाते हुए इसे मैश कर लेना है। आप देख सकते हैं दाल को मैंने कितना अच्छी तरीके से मैश करके रेडी कर लिया है। स्पून की सहायता से ही बहुत अच्छी तरीके से मैश हो चुका है। आप इसे चाहें तो भून भी सकते हैं कढ़ाई में सरसों का तेल डालकर, जीरा हींग के साथ में इसे भून कर भी तैयार कर सकते हैं। मैं इसे भूनूंगी नहीं, मैं इसमें किसी तरह का कोई तड़का नहीं लगाऊंगी, बस इसमें ऐसे ही इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा, लगभग 1/4 टीस्पून के जितना हींग। हींग डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो चलिए मैंने हींग को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया हुआ है। अब हम इसे एक प्लेट में डाल देंगे ताकि ये फटाफट से ठंडा हो जाए। यहाँ आटा को भी रेस्ट करते हुए 5 से 6 मिनट हो चुका है, तो चलिए हम इसे एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर सब्जी को कुक होते हुए 4 से 5 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हैं सब्जी कितना बढ़िया तरीके से बनकर रेडी हुआ है। ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा ग्रेवी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। आप नज़दीक से भी देख सकते हैं इसे। तो चलिए अब हम इसे नीचे उतार देते हैं। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसमें चाहें तो धनिया का पत्ती भी डाल सकते हैं। मैं अभी इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी, सिंपल बनाकर तैयार कर रही हूं। तो चलिए हम इसे उतार देते हैं और चूल्हा के ऊपर चढ़ा देंगे एक तवा। मैंने थाली में थोड़ा सा सूखा आटा ले लिया है डस्टिंग के लिए। तो चलिए हम इसका गोला बनाकर तैयार कर लेते हैं। गोला बनाने के बाद हम इसके अंदर कटोरी की जैसा शेप दे देंगे, कैविटी बनाएंगे इस तरीके से और इसके अंदर डालेंगे उबला हुआ दाल। इसे इस तरीके से दबाते हुए क्लोज कर देंगे। आपको बड़ा छोटा जैसा भी पराठा बनाना है वैसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। हम दोबारा इसे डस्ट करेंगे। डस्ट करने के बाद इसे प्लेटफॉर्म पर डालकर हाथों से ही हल्का सा फैला लेंगे। फैलाने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा आटा से डस्ट करेंगे। डस्ट करने के बाद एक बेलन की सहायता से इसे हल्का हल्का बेल कर तैयार कर लेंगे। मैंने इसे हल्का मोटा बेल कर रेडी किया है। आप देख सकते हैं यहाँ तवा भी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। तो चलिए हम इसे डालते हैं तवा के ऊपर मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर। जब ये हल्का सा कुक हो जाए तब हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद हम इसे बीच बीच में हल्का फुल्का अलट पलट करते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ अच्छी तरीके से कुक होकर रेडी हो जाए। मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर जब ये दूसरे साइड से भी अच्छी तरीके से कुक हो जाए तब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा घी और इसे चारों तरफ फैला लेंगे। अच्छी तरीके से फैलाने के बाद हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद दूसरे साइड पर भी हम थोड़ा सा घी डालेंगे और इसे भी फैला लेंगे। आप देख सकते हैं घी लगाते ही पराठा जो है बहुत अच्छी तरीके से फूल कर रेडी हो चुका है। अब ये बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए हम इसे प्लेट में डाल देते हैं। सेम तरीके से दूसरे पराठा को भी सेक कर रेडी कर लेंगे। पराठा को बनाने के बाद अब हम थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम को बारीक बारीक कट कर लेते हैं। काजू को हम गोल गोल टुकड़ों में कट करेंगे। काजू को मैंने इस तरीके से मीडियम शेप में कट करके रेडी किया, ना तो बहुत ज़्यादा छोटा कटा है ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा कट करके रेडी किया है। आप अपने पसंद के हिसाब से छोटा बड़ा जैसा भी आपको कट करना पसंद हो उस हिसाब से इसे कट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बादाम को लंबे लंबे स्लाइस करके रेडी कर लंबे लंबे टुकड़ों में स्लाइस कर लेंगे।
बादाम को लंबे लंबे टुकड़ों में अच्छी तरीके से स्लाइस करने के लिए सबसे पहले हम बादाम को बीच से दो टुकड़ों में इसे कट कर लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद हम इस तरफ से जो येलो वाला पार्ट है उसको ऊपर रखेंगे और वाइट वाले पार्ट को नीचे रखेंगे और इसे कट करेंगे। ऐसे कट करेंगे तो बड़ी आसानी से स्लाइस होकर रेडी होता है, ये बहुत ही आसानी से कट जाता है। काजू बादाम को कट करने के बाद अब हम दो मीडियम साइज़ के पके हुए आम को छीलकर कट करेंगे। मैंने आम को पहले ही अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर लिया हुआ था, चलिए हम इसे छील लेते हैं। मैंने दोनों आम को छील लिया हुआ, तो चलिए अब हम इसके छिलका को हटा देते हैं। आम को छीलने के बाद हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। इसे दोबारा धोने की ज़रूरत नहीं, मैंने पहले ही इसे धो के साफ़ कर लिया था। छीलने के बाद आम को नहीं धोना है, इसे कट कर लेना है। मैंने आम को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, तो चलिए अब हम इसे डालते हैं एक जार के अंदर। आम को जार में डालने के बाद डालेंगे 4 से 5 हरी वाली इलायची। इसको छील के डालना है, केवल बीज डालना है इसके अंदर, छिलका को हटा देना है, छिलका का इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम इसे एकदम अच्छे तरीके से बारीक पीस कर रेडी करेंगे। मैंने इसे एकदम बारीक पीस कर रेडी कर लिया है, तो चलिए अब हम इसे साइड पर रखते हैं। अब हम एक बड़ा सा बाउल ले लेते हैं, इसके अंदर डालेंगे 1 कप हंग कर्ड। मैंने 1/2 किलो दही को एक छन्नी के अंदर डालकर 6 से 7 घंटा उसे छोड़ दिया। जब इसका पानी अच्छी तरीके से निकल गया तब मैंने इसे को एक बाउल में डाल दिया। उसके बाद मैं जाकर इसे फ्रीज में डाल दी ताकि ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से ये रेडी हुआ है, बिल्कुल पनीर के जैसा लग रहा है। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, विस्कर की सहायता से 1 मिनट तक अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से ये मैश हुआ है ये। तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं पिसा हुआ जो आम पीस कर मैंने रखा था, उस आम को हम डालेंगे। आम डालने के बाद डालेंगे 1 टी स्पून गुड़ का पाउडर। आप इसकी जगह चीनी भी डाल सकते हैं या फिर आप बिना गुड़ चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। जितना ज़्यादा इसे फेंटेंगे उतना ही ज़्यादा ये क्रीमी बनकर तैयार होता है। अच्छी तरीके से फेंटने के बाद डालेंगे इसमें कटा हुआ ड्राई फ्रूट। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मैं गार्निशिंग के लिए रख लूँगी। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसे डालेंगे एक बड़े से बाउल में। आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा बनकर तैयार हुआ है। बाउल में डालने के बाद डालेंगे इसके ऊपर से छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ आम। मैंने थोड़े से आम को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके साइड में रख लिया था। आम डालने के बाद डालेंगे इसके ऊपर से कटा हुआ काजू, स्लाइस किया हुआ बादाम, ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह मैंगो श्रीखंड भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम नाश्ता को सर्व कर देते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ा सा थाली ले लेते हैं, इसके अंदर डालेंगे मैंगो श्रीखंड, आलू और लोबिया की सब्ज़ी, साथ में डालेंगे दाल का पराठा। थाली को रेडी करने के बाद डालेंगे तुलसी का पत्ता, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ता का जो है मेरे कान्हा का भोग जो है पूरा नहीं होता है। तो चलिए हम इसके ऊपर तुलसी का पत्ता भी डाल देते हैं। तुलसी पत्ता डालने के बाद मैंने इस हेल्दी नाश्ते को सर्व कर दिया है। प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से बना के जरूर ट्राई करें, मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।